Tell us something about this iconic award. You're here. Firstly, you're looking very beautiful as always. Thank you so much. पता नहीं जी, मुझे काम छोड़ के बहुत साल हो गए हैं, तो मेरी नॉलेज ज़रा कम है अभी अवार्ड्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी नए अवार्ड्स आ गए हैं जिसका मुझे कुछ तजुर्बा नहीं है. लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इन लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, सब दिया, और उन्होंने कहा कि आओ, तो मैं आ गई हूँ. बट दैट्स ऑल आई कैन से, इट मस्ट बी गुड. और सबका प्यार और मोहब्बत, इससे ज़्यादा क्या है दुनिया में, कुछ नहीं है ना. फिल्मों की अगर हम बात करें 2024 में, क्या हम मैम लुक सेंस जी, तो फिर ये इससे बात करो सेंटर में देखो और जवाब आपको ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना. बोलिए बोलिए, 2024 की अगर हम बात करें तो किस तरह से कैन वी सी यू इन एनीथिंग, लाइक ओटीटी प्लेटफॉर्म आजकल इतने मशहूर हो चुके हैं, कुछ अगर आप जवाब देना चाहोगे. अगर मैं करना चाहूँ तो 1000 कर सकती हूँ, पर मेरे पास वक्त नहीं है. मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं लंदन में रहती हूँ, युगांडा में रहती हूँ, केन्या में रहती हूँ, दुबई में रहती हूँ, हर जगह रहती हूँ, तो मैं एक जगह टिकती ही नहीं. मैं अभी 2 दिन पहले ही आई हूँ इस अवार्ड के लिए, तो मैं वापस चली जाऊँगी बहुत जल्दी. और आई डोंट थिंक कि ये सब करने से मुझे कोई फ़ायदा होगा या कोई ज़रूरत है कि मैं करूँ. अगर कोई रीज़न हो, हाँ, पैसे वैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आ जाऊँगी वापस. दैट्स ऑल आई कैन से. ए रहमान जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका हैप्पी बर्थडे है, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. खुदा आपको 1000 साल की उम्र दें और खुश रहें ज़िंदगी में. लॉट्स ऑफ लव टू यू. मैम, बहुत ही नायाब सफ़र रहा है आपका, और हम चाहते हैं कि ये सफ़र और दाऊंगी तक हम देखते रहें. और बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो सुपरस्टार हैं, जो उस सफ़र में आपके साथ थे और आज कहीं शायद वो और कहीं चले गए. तो कोई ऐसे एक्टर है जो आपके दोस्त जो आज भी आपको याद आते हैं, आपको लगता है कि काश आज हमारे साथ. देखिए, मुझे काम छोड़ के तो आपको पता है बहुत साल गुजर गए हैं. कितने मेरे प्यारे हीरोज़ थे जो अफसोस है कि आज है नहीं. और मैंने जिन जिन के साथ काम किया है, जो थे और जो आज भी हैं, मैं सबको बहुत मिस करती हूँ. मेरी फिल्म लाइन को बहुत मिस करती हूँ, और जो मेरी ज़िंदगी थी पहले उसको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि वो ज़िंदगी और थी. शादी के बाद ज़िंदगी और है, यू कैन नॉट कंपेयर. एंड आई लव देम ऑल ऑलवेज, एंड आई ऑलवेज हैव फिल्म पीपल इन माई हार्ट बिकॉज वॉट एवर आई एम बिकॉज ऑफ देम. आप लोग उनकी और आपकी जोड़ी वाज दी मेमोरेबल वन, लाइक यू लाइक यू एग्री विद दैट, लाइक ही वाज योर लाइक. देखिए, हम एग्री करने वाले कौन है, वो पिक्चर हिट कब हुई क्योंकि आप सब लोगों ने उस पिक्चर को हिट किया. आई हैव नथिंग टू डू विद दैट. हमने तो सिर्फ नौकरी की थी, और हमारे फैन लोग पसंद करते हैं तो वो फिल्म हिट हो जाती है, पसंद नहीं करते हैं तो नो मैटर हाउ मच यू वर्क हार्ड, इट डजंट वर्क. ये पर आपको क्या लगता था, आपकी जोड़ी, आपने इतनी सारी फिल्में की थी, बट फिर भी लाइक योर जिनके साथ आपका जेल हमेशा, लाइक या ऐसा होता है ना कि व्हेन यू वर्क विद वन हीरो फॉर मे बी 10-14 फिल्म्स, तो एक हो जाता है यू नो अंडरस्टैंडिंग, एंड वो ट्यूनिंग हो जाती है. वी नो ईच अदर, कब क्या करना, कौन से एक्शन करना, क्या करना, एंड वी आर मच क्लोज. तो डांस में, गाने में, हर चीज़ में हम मिल के करते थे. तो जब यू आर क्लोज वो अलग चीज़ होती है, एंड जब यू आर नॉट क्लोज तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली जब आप इतनी फिल्म करेंगे तो यू विल बी क्लोज टू देम. तो मैं आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम. बहुत शुक्रिया आप लोगों की बदौलत, थैंक यू सो मच. मुझे नहीं लगता कि ज़बरदस्ती कोई लगे रहेगा, उसमें भी पैसे खर्च होते हैं. मगर ब्यूटी इम्प्रूव करने के लिए अगर कुछ करना ज़रूरी है तो इट्स ओके, वाई नॉट, करना चाहिए ना. आप जितने खूबसूरत लगे अच्छा है, उसमें बुराई कोई नहीं है. इट्स गुड टू लुक गुड, है ना. सो आई बिलीव इन दैट कि अ वुमन शुड ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल एंड अ मैन शुड ऑलवेज लुक हैंडसम. मोदी लहर है हर जगह, मोदी की लहर, और श्री राम जी अब आ रहे हैं अयोध्या से, हर देश के गली के कोने कोने में. तो मुमताज़ मैम, अपने दिल से, अपने जहन से वो क्या आवाज़ निकलती है आपके लिए 22 जनवरी की जो अयोध्या में बहुत
बड़ा फंक्शन होने वाला राम जी के, राम जी अयोध्या। शायद मैं यहाँ नहीं होंगी तब, मगर जो भी होगा अच्छा ही होगा। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी बॉर्न इन इंडिया, क्योंकि ओरिजिनली मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं ईरान की थी, मेरे फैमिली ईरान के थे, लेकिन आज मैं जो भी हूँ, वट एवर आई एम, इट्स बिकॉज ऑफ इंडियन ऑडियंस, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत। अदरवाइज आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँच सकती थी अगर आप सब लोगों का प्यार ना होता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडिया। आने वाले दिनों में आपको किसी मूवी में देख पाएंगे? आसार तो बहुत कम है, क्योंकि जो मैं रोल करना चाहूँगी वैसा रोल अभी होता नहीं है, बनता नहीं है, और मैं आजकल जो फिल्में बनती हैं, आई डोंट थिंक आई एम सूटेबल फॉर दैट काइंड ऑफ अ रोल। तो अगर कोई अलग किस्म का रोल हो जो मुझे सूट करे, और अगर मेरे हस्बैंड कहेंगे कि यू कैन डू वन फिल्म, आई हैव टू टेक हिज परमिशन बिकॉज ही डजंट वॉन्ट मी टू वर्क, तो शायद कर लूँगी। मैं हाँ भी नहीं बोल सकती और ना भी नहीं बोल सकती, यू नेवर नो किस्मत में क्या लिखा है, यू कांट से। आपके साथ आपके बेटे आए हैं? वो मेरी कम शाद, ही इज माई सिस्टर्स सन शाद, शाद रंधावा, एंड माई सिस्टर इज मलका। तो इन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप अकेले नहीं जा सकते, आई विल कम विद यू टू लुक आफ्टर यू ऑलवेज। मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसे लेजेंड कभी कभार बनते ना जिंदगी में, तो आई एम सो प्राउड एंड सो लकी टू दैट शी इज माय मदर। मैम ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन।